Hello student, today we start the next topic, that is wave propagation. In that topic, today's lecture we covered, that is a transverse electromagnetic wave, and that is second topic we cover, that is electromagnetic polarization. Okay, so see the first topic, that is transverse electromagnetic waves. Okay, this is the diagram of transverse electromagnetic waves. In this diagram we see that there is a three axis, that is y axis it is the magnetic field, x axis is the electric field, and in the middle it is the z axis, that is will indicate the direction of travel. Okay, so see the point one by one. That is, the first point is that the process of a signal travel from transmitter to receiver can be divided into two part. Okay, कि signal जो है travel होता है transmitter to receiver, उसमें दो type होते हैं. First it is the radiation of the signal and second it is the propagation. ठीक है, ये भी detail में देखने वाले हैं हम लोग, radiation और propagation जो है next few lecture में देखेंगे. पहले ये जो है topic ये cover कर लेंगे. तो ये जो टाइप सेट दो पार्ट्स है वो किसके पार्ट्स है, द प्रोसेस ऑफ सिग्नल, सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है ट्रांसमीटर टू रिसीवर, तो वो दो पार्ट्स में क्या होता है डिवाइड होता है, रेडिएशन ऑफ द सिग्नल एंड प्रोपोगेशन. ओके, इसमें ही सेकेंड जो है नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें ही. ओके, जो सेकेंड पॉइंट है देखो, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑसिलेशन विच प्रोपोगेट टू फ्री स्पेस. They travel to the free space through the speed of light. These waves are known as electromagnetic waves. अभी electromagnetic waves किसको बोलते हैं ये बताया है कि electromagnetic waves are oscillation. Oscillation means जो sine wave होते हैं, ठीक है, उसके हम लोग क्या बोलते हैं, oscillation में क्या होती है travel होती है, which propagate to free space. Free space में क्या होता है उसका propagation होता है. ओके, प्रोपोगेशन मीन्स हम लोग बोलते हैं कि जैसे स्प्रेडिंग होता है, ठीक है, दे ट्रेवल टू फ्री स्पेस थ्रू द स्पीड ऑफ लाइट. अभी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या रहती है, 3 × 10⁸, तो स्पीड ऑफ लाइट से वो क्या होता है, प्रोपोगेट होता है फ्री स्पेस में. वो वेव को हम क्या बोलते हैं, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ओके, बिकॉज द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट. जैसे कि हम लोग ने डायग्राम में देखा है वो किसके वजह से होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो साइमल्टेनियसली इसमें प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है, उसके वजह से वो क्या होता है, प्रोपोगेट होता है. ओके, बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें ही लास्ट पॉइंट है, इन द डायरेक्शन ऑन दिस स्पीड इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, जो भी ट्रेवल है डायरेक्शन है स्पीड की वो क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है दोनों को, ईच अदर. ओके, द डायरेक्शन इन दिस स्पीड इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव. ओके, जो स्पीड होती है वो किसको परपेंडिकुलर रहती है, वेव मीन्स प्रोपोगेशन ऑफ वेव को वो परपेंडिकुलर रहती है. ठीक है, नेक्स्ट इसमें ही जो सेकंड टॉपिक हम लोग देखने वाले थे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोलराइजेशन. ओके, सी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोलराइजेशन, दैट इज द ईएम पोलराइजेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन इज दैट, दैट इज द पोलराइजेशन ऑफ ईएम वेव इज सिंपली द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस. क्या होता है इसमें ईएम पोलराइजेशन, क्या होता है, दैट इज ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का क्या होता है, स्प्रेडिंग होता है, ओरिएंटेशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस. ओके, नेक्स्ट जो है इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन. ओके, so see the types of polarization. In that there are four types of polarization. Firstly we see the horizontal polarization. Definition is that if the electric field propagates parallel with earth surface then the EM wave is said to be horizontally polarized.
ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैरेलली प्रोपोगेट्स होती है विथ अर्थ सरफेस से, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल पोलराइज। उसका ही अपोजिट है, दैट इज द वर्टिकली पोलराइज। तो इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट्स परपेंडिकुलरली, यहाँ पे क्या था, पैरेलली, यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलरली विथ अर्थ सरफेस, देन द ईएम वेव इज सेड टू बी वर्टिकली पोलराइज्ड। ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थ सरफेस को परपेंडिकुलरली क्या होगी, प्रोपोगेट्स होगी, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इट इज वर्टिकल पोलराइजेशन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे इसमें थर्ड टाइप। ओके, सी द थर्ड टाइप, दैट इज सर्कुलर पोलराइजेशन। इफ द पोलराइजेशन वेक्टर रोटेट्स 360 डिग्री एज द ईएम वेव ट्रेवल्स वेवलेंथ थ्रू द स्पेस एंड द फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू एट ऑल एंगल्स ऑफ पोलराइजेशन, देन द ईएम वेव सेड टू हैव अ सर्कुलर पोलराइज्ड। मीन्स क्या होता है, अगर पोलराइजेशन वेक्टर जो है वो रोटेट्स होता है 360 डिग्री से एज द ईएम वेव, जब 360 डिग्री से वेक्टर पोलराइज होगा तभी जो ईएम वेव है वो ट्रैवल होता है किससे, थ्रू स्पेस से, ठीक है, और द फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ पोलराइजेशन। उसी समय अगर फील्ड स्ट्रेंथ जो है इक्वल टू रहेगी एंगल ऑफ पोलराइजेशन से, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर पोलराइज। तभी वो ईएम वेव कैसी पोलराइज होगी, सर्कुलर पोलराइज होगी। ओके, लास्ट देखो, इट इज द इलिप्टिकल पोलराइजेशन। इफ द सर्कुलर पोलराइजेशन द फील्ड स्ट्रेंथ इज वेरी विथ चेंज इन पोलराइजेशन, जो फील्ड स्ट्रेंथ रहती है अगर वेरी होती है विथ चेंज इन पोलराइजेशन, मीन जैसे हम अपना पोलराइजेशन चेंज होता है वैसे उसकी अगर फील्ड स्ट्रेंथ कैसी होगी, वेरी होगी, देन जो पोलराइजेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज द इलेप्टिकल पोलराइजेशन। ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ जो है पोलराइजेशन, है फोर टाइप्स हो गए हैं, और आज का जो टॉपिक है अपना वो एंड हो चुका है। जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। सो थैंक यू।